घंटे की आधार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमें साधना प्राप्त हुई है यह है चंद्रदेव प्रत्यक्ष दर्शन साधना। भेजने वाले हैं रोमिन राज। चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और इन्होंने किस प्रकार चंद्रदेव प्रत्यक्ष दर्शन साधना को हमारे पास भेजा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार गुरुजी, मैं रोमिन राज बज्राचार्य एक बार फिर से नई साधना लेकर आया हूँ। गुरुजी सूरज प्रताप को और धर्म रहस्य देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये जो साधना है ये मैं रोमिन राज बज्राचार्य धर्म रहस्य चैनल को ही 3 जून 2020 को भेज रहा हूँ और धर्म रहस्य चैनल को ही भेज रहा हूँ। आज मैं जो साधना भेज रहा हूँ वह पूरी की पूरी YouTube को ही हिलाकर रख देने वाली साधना जैसी है, क्योंकि ये जो साधना है यह पूरे YouTube में कहीं पर भी नहीं है। यानी तक आज तक इस साधना के बारे में किसी भी YouTube पे नहीं पब्लिश किया गया है। ये साधना अब तक किसी भी YouTube चैनल पर प्रकाशित नहीं की गई है और ये पहली बार है मेरी तरफ से ये YouTube को दिया जा रहा है और सिर्फ धर्म रहस्य चैनल पर ही दिया जा रहा है। मेरी तरफ से धर्म रहस्य चैनल को यह साधना प्रेषित की गई है और इस साधना को यहीं पर पब्लिश किया जाएगा, अन्य किसी भी चैनल या साइट पर पब्लिश नहीं किया जाएगा। मैं विराट नगर सिटी नेपाल से हूं और मेरा नाम से यानी कि मेरे रोमिन राज बज्राचार्य के नाम से साधना किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी और साइट पर कभी पब्लिश नहीं की जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और गुरुजी आज फिर से बहुत दिनों के बाद मैंने एक पोस्ट भेजा है और गुरुजी आज का जो पोस्ट है वो बहुत ही लाजवाब है और मजेदार भी, क्योंकि आज मैंने जो साधना दे रहा हूं वो है चंद्रदेव प्रत्यक्ष दर्शन साधना। इस साधना को चंद्रदेव प्रत्यक्ष दर्शन मंत्र साधना कहते हैं। इस साधना से साधक को चंद्रदेव यानी चंद्र देवता के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं और उनसे वचन भी प्राप्त हो जाते हैं, कोई भी मनोवांछित वरदान भी प्राप्त हो जाया करता है। चंद्रदेव जैसे ही हम सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवताओं में से एक माने जाते हैं। चंद्रदेव बहुत ही सुंदर और रूपवान है। इनका निवास स्थान चंद्रलोक है। इनका वाहन एक हिरण है। इनकी माता अनुसुईया हैं और पिता अत्रि हैं। इनको बुध ग्रह का पिता भी माना जाता है और इनकी पत्नी का नाम रोहिणी है जो 27 नक्षत्रों में एक मानी जाती हैं। इनको क्षीरपुत्र भी कहा जाता है। इनको सोम, हिंदू आयुसूत, सचिन, ताराधी, निष्कारा जैसे अन्य नामों से भी इनको जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा उच्च स्थान पर है तो उस व्यक्ति का जातक जो है संसार में हर प्रकार के सुख और भोगों को प्राप्त करता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और इसलिए नवग्रह में चंद्रमा का महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। जिस तरह सूर्य देव इस संसार को दिन के समय रोशनी प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार चंद्रदेव संसार को रात्रि के समय रोशनी प्रदान करते हैं। अगर चंद्रमा कमजोर है तो मन कमजोर हो जाता है और अगर चंद्रमा बलवान है तो मन भी बलवान हो जाता है। तो यह है चंद्रदेव और चंद्रमा ग्रह के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो अब मैं किसी का भी समय नष्ट ना करते हुए सीधे चंद्रदेव प्रत्यक्ष दर्शन साधना के बारे में बताता हूँ।
इस साधना के नियम और विधि कुछ इस प्रकार से हैं। चंद्रदेव प्रत्यक्ष दर्शन साधना के कुछ विशेष नियम। चंद्रदेव के इस साधना को करने के लिए साधक को सबसे पहले चंद्रदेव की एक चांदी की प्रतिमा लाकर रखनी होगी। चंद्रदेव की ऐसी चांदी की प्रतिमा किसी भी सुनार की दुकान में आसानी से बनवाई जा सकती है या मिल जाती है। साधक को चंद्रदेव की ऐसी प्रतिमा अपने सामने रखनी है जिसे एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में कमल का फूल है, तीसरे हाथ में फूलों की माला है और चौथे हाथ में कलश है। सिर्फ ऐसी प्रतिमा ही इस साधना में प्रयोग की जाती है। प्रतिमा का आकार मायने नहीं रखता है। कम से कम एक अंगूठा दो अंगूठे के बराबर का साइज होना चाहिए और चंद्रदेव एक सफेद खरगोश पर विराजमान होने चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार की चंद्रदेव की प्रतिमा आपकी बनी होनी चाहिए। उसके बाद साधक को उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और इस साधना को सिर्फ और सिर्फ सोम पूर्णिमा के दिन से ही शुरू करना चाहिए और रात के समय जब चंद्रमा पूर्ण प्रभाव के साथ अपने पूरे गोल आकार में आता है तभी साधक को यह साधना शुरू करनी चाहिए। साधक को सफेद वस्त्र पहनकर इस साधना को करना है और सफेद आसन पर बैठकर ही साधना को आगे बढ़ाना है। उसके बाद अपने सामने एक चौकी रखनी है और उस पर एक सफेद कपड़ा भी बिछाना होता है। अब ये सब होने के बाद एक चांदी की प्लेट में, यानी कि एक सिल्वर प्लेट में चंद्रदेव की प्रतिमा को रखना है और विराजमान करके वहां पर स्थापित करना है। जब तक साधक ये साधना करेगा तब तक प्रतिदिन सिर्फ दूध, दही, चावल, सफेद मिठाई और जितने भी सफेद रंग के खाने पीने की चीजें हैं सिर्फ वही खानी चाहिए। सिर्फ एक टाइम सात्विक भोजन करना है और इसके साथ साथ साधक को एक सफेद खरगोश को भी पालना चाहिए। जब भी साधक खाना खाने के लिए बैठे सबसे पहले उस खरगोश को खाना खिलाए और फिर उसके बाद ही खुद खाना खाए। जब तक साधक साधना करेगा तब तक उस खरगोश को प्रतिदिन भरपेट भोजन कराना है, उसको संतुष्ट रखना आवश्यक है। उस खरगोश को बहुत ही ज्यादा प्यार करना चाहिए और पूर्ण भक्ति भावना से उसकी सेवा भी करनी चाहिए। उसके बाद गुरु पूजन और गणेश पूजन करना है और भैरव की पूजा, सूर्य की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा और शिव पार्वती की पूजा भी साधक को करनी है। इसके उपरांत साधक को एक संस्कारित मोती की माला से चंद्रदेव के प्रत्यक्ष दर्शन की सात माला का जाप करना है और यह लगातार 6 महीने तक, यानी 6 महीने 180 दिनों तक इसे करना आवश्यक है। चंद्रदेव के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं और चंद्रदेव प्रत्यक्ष दर्शन के मंत्र को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। वह मंत्र यह है, ओम श्री चंद्र मूर्तये नमः। ओम ऐं श्रीं क्लीं क्रों क्रों कलंक रहिताय सर्व जन वल्लभाय क्षीरवर्णाय। ओम ह्रीं श्रीं चंद्र मूर्तये नमः। साधना के समय साधक को पुनश्चरण और प्रतीक्षीकरण के संपूर्ण नियमों का पालन करना होता है। साधक को बहुत ही कम सोना है और खान पान में विशेष रूप से ध्यान देना है, सत्य बोलना है और एक ईमानदार जिंदगी यानी ऑनेस्ट लाइफ जीनी होती है। पेड़ पौधों की सेवा करना है और उनको पानी देना है, उनका बहुत ही अच्छी तरीके से रखरखाव भी करना है।
विशेष रूप से ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए और उनको आदर सत्कार देना चाहिए। चंद्रदेव के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद साधक को अपने देश में यानी कि अपने राज्य में विशाल और विभिन्न प्रकार की नाम सम्मान यश कीर्ति प्रसिद्धि इस सब की प्राप्ति होने लगती है। वो सबका परम प्रिय हो जाता है। उसे ऐसा अतुलनीय धन और असीम समृद्धि प्राप्त हो जाती है कि खत्म ही नहीं होती। साधक चंद्रदेव से उनके गुप्त मंत्र भी प्राप्त कर सकता है, जिसके फलस्वरूप साधक किसी भी समय चंद्रदेव के प्रत्यक्ष दर्शनों को प्राप्त कर सकता है। प्रणाम गुरुजी, तो यह पोस्ट यहीं पर मैं खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह पोस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और हमारे दर्शकों को भी पोस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। गुरुजी, अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी है तो आप प्लीज इस पोस्ट को जरूर शेयर करें। गुरुजी, मैं अब विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम, जय महावीर हनुमान। तो यहां पर देखिए, इन्होंने चंद्रदेव के प्रत्यक्ष दर्शन की साधना विधि के संबंध में बताया है। चंद्रदेव जो मन के कारक देवता माने जाते हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी साधना करने वाले व्यक्ति का ढाई ढाई दिन में ही चमत्कारिक रूप से भाग्य बदल जाता है। इसीलिए चंद्रदेव की जो साधना और उपासना करके उनकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसके लिए उसका भाग्य बदलने में कुछ भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। और साधना में जहाँ काफ़ी समय लग जाता है, वहीं चंद्रमा के प्रभाव से बहुत ही जल्दी व्यक्ति के अंदर ऐसी तेजस्वीता आती है कि उसके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वशीकरण की और सम्मोहन की विद्या भी चंद्र देवता की कृपा से अवश्य ही प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।